मित्रों आज मैं एक विशेष जानकारी के लिए नीम के पेड़ के पास आया हूँ और नीम के पेड़ से मैंने ये कोमल नीम की पत्तियां तोड़ी हैं जो गुलाबी कलर की दिखाई दे रही हैं आपको, इसका मैं एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो नीम के पेड़ से कोमल लाल पत्तियां तोड़ लें, जैसा कि ये है, ये आप देख रहे हैं ये कोमल पत्तियां हैं, और किसी भी प्रकार का किसी भी रोगी को कैसा भी फोड़ा फुंसी बॉयल हो गया है बॉल, और चाहे वो गैंग्रीन का ही फोड़ा क्यों नहीं हुआ है, तो और चाहे हर्पीज है, हर्पीज मतलब एक नागिन रोग होता है जो बड़ा भयंकर रोग होता है, तो उसको भी, तो मैं फिर बता दूं, चाहे नागिन रोग हो जिसको हर्पीज बोलते हैं, और चाहे वो गैंग्रीन का फोड़ा है, चाहे किसी भी डायबिटीज वालों को गैंग्रीन के फोड़ा हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं, तो मैंने उसको एक छोटा सा नुस्खा तैयार किया है। तो ये नीम के 20 ग्राम कोमल पत्ते तोड़ लें, ये जो लाल वाले हैं, और इनको साफ कर लें, तो 20 ग्राम को 100 ग्राम गाय का घी ले लें, अपनी देसी गाय का होना चाहिए, और उसमें धीमी आग पर उनको जला लें। जब वो पत्ते पूरे जल जाएं, तो उसको उतार लें और उसमें मिक्स कर लें, इसको किसी बोतल में भर के रख लें। किसी भी प्रकार का कोई भी फोड़ा है, चाहे वो गैंग्रीन का हो, चाहे वो हर्पीज का हो, और चाहे कोई और भयंकर फोड़ा हो, अगर ये 10-15 दिन लगातार लगाया जाएगा तो कोई भी चींटी भी नहीं आ सकती उस फोड़े पर, ना मक्खी बैठेगी, और 15 दिन के अंदर भयंकर से भयंकर फोड़ा ठीक हो जाएगा, चाहे वो हर्पीज हो और चाहे वो गैंग्रीन का फोड़ा हो। तो ये सीधा सादा उपाय मैंने बताया है, आप इसको अपनाकर अपने फोड़े फुंसियों का इलाज अपने घर बैठे कर सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। तो एक बार फिर नीम के कोमल लाल पत्ते ले लें 20 ग्राम और 100 ml जो है गाय का शुद्ध घी ले लें, देसी गाय होनी चाहिए, उसमें हल्की आग पर जला लें और उसको मिक्स कर लें। ये आपका 100 ग्राम का पूरी साल अगर सैकड़ों आदमियों को फोड़े फुंसी पे लगाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा और सब ठीक हो जाएंगे। ये बनाकर आप दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं और अपनी भी सेवा कर सकते हैं। तो इससे होते हैं हर्पीज जैसे भयंकर नागिन रोग ठीक, गैंग्रीन के फोड़ा, और जो कभी ना ठीक होने वाले फोड़े भी इससे बड़ी आसानी से 15 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।